सो हे वेलकम बैक टू सचिन ग्राफिक। आज का हमारा जो टॉपिक है इलस्ट्रेटर की जो लास्ट वीडियो थी टाइप टूल के बारे में, उसी का ये जो है सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखने वाले हैं कैरेक्टर के बारे में, पूरा देखेंगे कि उसमें लीडिंग क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होता है, कर्निंग क्या होता है, एंड सो बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो वो पूरा आज जो है कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर में। ओके, सो A4 का एक पेज क्रिएट किया हमने। सबसे पहले एक जो है टाइप टूल तो हो चुका है। टाइप टूल में जितने भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ, एंड वो सब कुछ हो चुका है, ठीक है ऑलरेडी। सो यहाँ पे है जो अपना है, जो आज का टॉपिक है कैरेक्टर। कैरेक्टर में ये जो है पूरा आज कवर करेंगे। सो सबसे पहले एक टेक्स्ट लेते हैं। सो सिंपली एक फॉन्ट में है जो ग्रोटेक्स फैमिली का। ओके, स्पेस ग्रोटेक्स इसको लेते हैं। एंड यहां पे ग्राफिक डिजाइन। ओके, सो ये टेक्स्ट लिया हमने। यहां सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है फॉन्ट हमने वहां से भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी ये जो है फॉन्ट का जो है एक सिलेक्ट करने का जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है। सो यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहां से जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड चाहिए, लाइट चाहिए, रेगुलर चाहिए, मीडियम चाहिए। सो और यहाँ पे जो देख सकते हैं वेरिएबल फॉन्ट। वेरिएबल फॉन्ट क्या होता है ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इसपे बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, सो फॉन्ट का जो स्टाइल है ना, सो फॉन्ट का जो स्टाइल है, जो मीडियम इटैलिक बोल्ड, वो जो है यहाँ से और अच्छे से आप इसको जो है लाइक मैनुअली इसको और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं 700 है अभी मुझे यहाँ पे। अगर आप जाएंगे स्टाइल में तो वहां पे आपको जो है चार ही वेरिएशन मिल रहे हैं, मीडियम है, लाइट है, एंड बोल्ड है। सो यहाँ पे जो है और भी अच्छी तरीके से इसको जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही इसको कम एंड ज्यादा करेंगे ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे, उसी तरीके से इसका जो विथ है वो जो है कम और ज्यादा हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 300 पे ही रखना है, ठीक है। सो 300 पे रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे जो है 600 पे रखना है। सो उस तरीके से जो है ये है वेरिएबल फॉन्ट का जो है रोल है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेट द फॉन्ट साइज। तो आपको ये पता ही है फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी 57 है, इसको मैं चाहूँ तो 48, 60 या 72, यहाँ पे जो भी चाहे आप नंबर डाल सकते हैं। मुझे 200 अगर साइज रखना है फॉन्ट का तो 200 डाल के करेंगे एंड देख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया फॉन्ट साइज। नेक्स्ट थिंग इज लीडिंग, सेट द लीडिंग। अभी लीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ लेंगे। सिंपली मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा, इसका शॉर्टकट है टी, एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा और एक एरिया बन जाएगा और उसमें कुछ जो है टेक्स्ट फील हो जाएगा। एंड इसका साइज जो है छोटा कर देंगे हम, ओके 8, एंड इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, अदरवाइज और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने एंड ओके। सो अभी लीडिंग समझने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे ना आप तो ये जो दो लाइन के बीच में स्पेस जो है उसको लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 24, 11, 18, 14 जो भी रखना साइज आपको आप रख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको इसका जजमेंट जब तक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा कि कितना रखना है, क्या रखना है लीडिंग, तो उस पे आप ऑटो पे जो है सेलेक्ट करके वो रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है कर्निंग। देखिए कर्निंग का रोल क्या होता है कि जो टू कैरेक्टर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, उनके बीच का जो गैप होता है उसको कर्निंग बोलते हैं। सो उसके बीच का जो गैप है उसको अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो वहां पे कर्निंग का यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल ये जो है ये इसको ऑटो पे होता है जनरली। सो इसको जो है अगर आप पैराग्राफ में कर्निंग का यूज करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैराग्राफ है, सो यहाँ पे आप ऑप्टिकल जो है सेलेक्ट कर दें, ठीक है। सो ऑप्टिकल पे सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा जो है बैलेंस हो जाता है पूरा पैराग्राफ, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट जो है देखिए ये जी और आर के बीच में अगर मुझे ये स्पेस बढ़ाना है घटाना है तो वहां पे सबसे पहले इसको जीरो करेंगे, जीरो है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका कर्निंग जो है 50 रख देता हूँ तो ये जो गैप है ये 50 हो चुका है, ठीक है। एंड इसको देखिए 200 करके यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। 200 किया मैंने, जैसे जी और आर के बीच का जो गैप है ये जो है 200 की करते ही काफी गैप हो चुका है। सो इसको कर्निंग बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर मुझे अभी इसको जो है ऑप्टिकल पे रख देते हैं, एंड अगर मुझे सभी के बीच का गैप जो है
एक्सटेंड करना है तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रैकिंग। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ट्रैकिंग, देखिए इसमें माइनस एंड प्लस दोनों जो है दिया हुआ है ऑप्शन, आप इसको जैसा चाहे वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 रखना है, 25 मैंने रख दिया, अदरवाइज अगर इसको माइनस में रखना है, 50 माइनस रखना है, तो उस तरीके से ये वॉक करता है। एंड यहाँ पे आप अपना खुद का जो है वैल्यू भी जो है रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इनके बीच का जो स्पेस है ट्रैकिंग जो कर रखना है वो 300 रखना है, तो 300 पे क्लिक करेंगे एंड ओके। सो इस तरीके से ये वॉक करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजेंटल स्पेस। सो वो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई डिजाइन बना रहे हैं, सो उस केस में क्या होता है, कभी कभी जो फॉन्ट है वो स्पेस हो जाता है, ठीक है, वहां पे जो है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केल है वो है जो अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हैं उसको फिक्स करने के लिए। अगर आप चाहें ऐसा कुछ आपको करना है सो वो आप कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 फिलहाल है ये, मैं इसको अगर 25 कर दूं, देखिए ये जो है स्ट्रेच हो चुका है पूरी तरह से। अगेन इसको फिक्स करना है तो इसको 100 कर देंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे एंड 100, ओके, देखिए यहाँ पे अभी ये फिक्स है 100 एंड 100 है। अगर मैं इसका विथ बढ़ा रहा हूं देखिए, तो ये इसका हॉरिजेंटल जो है स्केल हो गया है, जो इसका वैल्यू अब है 158 हो चुका है एंड इसको होना चाहिए 100 पे। सो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली 100 का वैल्यू डालेंगे एंड एंटर। ओके, सो ये हो गया फिक्स, ठीक है। सो उस तरीके से ये वर्क करता है। देन अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है सेट द बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, जो भी आपका कैरेक्टर है, जो भी आपका टेक्स्ट है, उसका जो बेस लाइन, जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड लिखा है, सो ये जो नीचे का हिस्सा है उसको बेस लाइन बोलते हैं। सो उसको जो है फिक्स कर सकते हैं आप, कोई एक वर्ड से एक कैरेक्टर को, एक अल्फाबेट को जो है आप उसको बेस लाइन को अप या डाउन सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे डी का डिजाइन से डी का बेस लाइन चेंज करना है, सो यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे देखिए -12 किया मैंने, ये नीचे हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। एंड अगेन अगर इसको मैं बेस लाइन अप करना चाहूं, सो +12, या इस पे आप अपना खुद का वैल्यू रख सकते हैं, 50 अगर मैं रख दूं, तो देखिए यहाँ पे जो है बेस लाइन जो है सेट हो चुका है। सो कुछ कुछ केसेस में अगर आपको वैसा कहीं पे यूज करना है, सो इसका यूज करके आप बहुत अच्छे से तरीके से जो है खेल सकते हैं फॉन्ट के साथ, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज रोटेशन जो है, ये देख सकते हैं ये रोटेशन का जो साइन है, ठीक है, सो इसको कैरेक्टर रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर रोटेशन से क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर है, ये फॉर एग्जाम्पल ई का जो है रोटेट करना है मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल पे, सो यहाँ पे कैरेक्टर रोटेशन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए -30 degree मैंने इसको रोटेट कर दिया एंड अब यहाँ पे रोटेट करते ही यहाँ पे स्पेस हो चुका है काफी सारा, तो इसको करने के हेल्प से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही माइनस करूंगा मैं, 300 कर देते हैं माइनस, देखिए जैसे ही हमने, एंड यहाँ पे कर देते हैं -100। सो इस तरीके से जो है ये टूल का यूज करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि जो कैप्स लॉक होता है, स्मॉल जो लेटर होते हैं इन पे आप कैसे खेल सकते हैं। सो सबसे पहला है कैप्स लॉक, ऑल कैप्स, ठीक है। सो ऑल कैप्स जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी वर्ड हैं, सभी जो है कैपिटल लेटर में हो जाते हैं, ठीक है। सो ये देखिए जो भी है पूरा कैपिटल हो चुका है, BET आ चुका है, सो इसको डिलीट करते हैं। ओके सो ये समझ लिया आपने कैप्स लॉक। देन इसको यहाँ पे अगला ऑप्शन है स्मॉल कैप्स। अभी स्मॉल कैप्स कैसा होता है, सो कोई भी वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर जो है, सबसे पहला अल्फाबेट जो है वो अगर कैप्स में है बाकी स्मॉल में है, ठीक है। सो स्मॉल कैप्स क्या करता है, अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो बाकी सबको भी कैप्स कर देता है बट इन द सेम साइज, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप्स करूंगा मैं, ये इसी साइज में जो है कैप्स हो जाएगा, देखिए, ठीक है। सो उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। तो आपने जो H2O पानी का फॉर्मूला जो होता है वाटर का, उसको आपने देखा होगा 2 जो होता है वो नीचे होता है। सो सबसे पहले यहां पे देखिए S2 एंड O,
ठीक है, सबसे पहले सबको कैप्स कर लेते हैं। एंड टू को जो है यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट, इसको नीचे, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जो है वो सबस्क्रिप्ट काम आता है। देन अगेन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, इसको सबस्क्रिप्ट से हटा के, एंड यहाँ पे एक आपने देखा होगा ट्रेडमार्क का जो होता है वो एक छोटा सा आइकन होता है, तो इसको ऊपर लेके जाना होता है, ठीक है। लोगों में किसी भी आपने देखा होगा जो ट्रेडमार्क होता है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन का जो मार्क होता है वो ऊपर होता है कॉर्नर पे, ठीक है। सो इसको ऊपर ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, एंड और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस में आपको एक नीचे जो है लाइन आ जाती है, सो उसको अंडरलाइन बोलते हैं सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अंडरलाइन हो चुका है। देन अगेन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, कोई कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है जिसमें किसी वर्ड को आपको दिखाना है कि हाँ ये जो है गलत है, या फिर वैसे केसेस में मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ओके। एंड यहाँ पे दिखाना है मुझे कि ये जो वर्ड है वो रॉन्ग है, सो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन शार्प एंड इंग्लिश, ये तो लैंग्वेज का है पूरा कि आप कहाँ का लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, सो इसको तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई चेंज ना करें कभी, इंग्लिश यूएसए पे ही रहने दें। एंड ये शार्प नन क्रिस्प एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो है फोटोशॉप में समझेंगे, जब फोटोशॉप का वीडियो जो है क्रिएट करेंगे तो वहां पे ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो यही था आज का टॉपिक, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा इस वीडियो से। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करें, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर न्यू हो गया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो मिलता है नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।